सड़कों की जो आवाज है, हम लोग इस आवाज को और मजबूत करें। चुनाव में इस सरकार को हम लोग वोट से चोट करने जा रहे हैं। MLG शशि यादव हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनसे खास बातचीत करेंगे। और लोकसभा चुनाव आने वाली है तो उसमें क्या कुछ तैयारी है? पहले आपको कैसा लग रहा है मैम, आप MLC बन चुकी हैं, क्या कुछ करेंगे? देखिए, ये जन पूरे महिलाओं को खुशी है, क्योंकि ये हम लोग महिलाओं के सवाल को बुलंद करते रहे हैं, आज उसकी आवाज़ जा रही है। तो इसलिए जब हमारी बहनें, हमारे आंदोलन की साथी खुश है, तो मैं भी खुश हूँ कि उनकी आवाज़ को अभी तक हम लोग सड़कों पे लड़ती रही हूँ और अब सदन में भी ये आवाज़ पहुँचेगा। और पार्टी ने ये इन आवाज़ को पहुँचाने की का जो काम किया है, जो जिम्मेवारी दी है, बिल्कुल इस जिम्मेवारी पर खड़ा उतरने की कोशिश करूँ। महिला सशक्तिकरण को आप किस तरह से देखती हैं मैम? देखिए, जिस तरह से अभी का जो समय चल रहा है, महिलाओं को कितना आगे बढ़ना चाहिए, खासकर जो पॉलिटिक्स है उसमें? देखिए, महिलाएं अब पहले वाली स्थिति नहीं है और महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। आज देख लीजिए कि ये हमारे मतलब आप ही पत्रकारिता के ही क्षेत्र में देखिए, आप सब लोग सामने आ रही हैं। पहले हम लोग जिस समय पटना की सड़कों पर आंदोलन शुरू किए तो बहुत कम लड़कियां दिखती थी, तो ये एक डेवलपमेंट हो रहा है। मगर राजनीति में अभी भी और जितने बड़े पैमाने पे आना चाहिए था, थोड़ा कमी है, क्योंकि राजनीति को जिस तरह से मतलब बुर्जुआ पार्टियों ने, सत्ताधारी पार्टियों ने जो उसको बना दिया है, तो इसके खिलाफ हम लोग लड़ते हैं। और निश्चित तौर पर ये बदलाव हो रहा है, 33% आरक्षण के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं, तो ये जरूर लागू होगा, तो और भी ये बढ़ेगी चीजें। और जो सड़कों पर की जो आवाज़ है, हम लोग इस आवाज़ को और मजबूत करेंगे, क्योंकि महिला आंदोलन सिर्फ आरक्षण तो एक पहलू है, मगर वो आंदोलन से और मजबूत होता है। अच्छा, आशा कार्यकर्ताओं को किस तरह से देखती है? लगातार वो प्रदर्शन करते हुए आई हुई हैं, जब आपकी सरकार थी तभी भी प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था, अब क्या स्टैंड ले रही हैं आप? देखिए, आंदोलन के बल पे हम लोग छोटी छोटी जीत हासिल कर रहे हैं, और जबकि पहले आशा कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं था, बहुत लड़ते लड़ते हमको हम लोगों ने मुकाम पे पहुंचाया। आपने देखा होगा कि पटना की सड़कों पे आज तक उतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ जितना बड़ा प्रदर्शन हमारी महिला श्रमिकों ने, आशा कार्यकर्ताओं ने किया। जो समझौता हुआ है, ये सही बात है कि उस समझौते को अभी तक ये सरकार लागू नहीं की है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहें, ये हम लोग अब चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव में इस सरकार को हम लोग वोट से चोट करने जा रहे हैं, तमाम स्कीम वर्कर बने, और इसकी जब चुनाव के बाद इस सरकार को हम लोग पूरी तरह से दबाव में डालेंगे और जो फैसला हुआ है उसको लागू करवाएंगे। चुनाव से पहले जिस तरह से NDA और BJP इलेक्ट्रोल बॉन्ड को साइड करने के लिए CAA लेके आई, तो कहीं ना कहीं जनता समझ पाएगी? बिल्कुल समझ रही है जनता, इसीलिए आप देखिएगा कि CAA के खिलाफ तमाम लोग सड़कों पर प्रतिरोध में उतरे, और इसको आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम अखबारों में। डिप्टी CM तो खुद Article 370 देखने गए थे। डिप्टी CM कोई कुछ देखने गया नहीं देखने गया, ये दूसरी बात है। भाजपा की तो यही राजनीति है, ये बनाया ही इसलिए जा रहा है कि हम समाज में एक नफरत फैलाएं, और नफरत के बल पे ही तो ये राजनीति कर रहे हैं। मगर आज जनता इस राजनीति को, नफरत की राजनीति को समझ रही है, और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के आधार पर जो आज वो चीजें उजागर हो रही है कि ये चंदा की भ्रष्टाचार पार्टी है, तो ये इसको जनता सबक सिखाएगी इस चुनाव में। अब तो चुनाव सामने आ ही गया। देखिए, क्या कुछ कहना शशि यादव का, साफ तौर पे सुनिए, और जनता के लिए ये काम करेंगी। और चुनाव में इस बार बता दिया जाएगा कि जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है और राजनीति की जा रही है, जनता जागरूक है और जनता को जागरूक करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। तो देखना रहेगा क्या कुछ होता। बने रहे देशवा न्यूज के साथ, मैं काजल सर्वेश। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।